लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का दावा, यूपी में सीएम योगी को हटा देंगे। वहीं बीजेपी ने किया पलटवार, केजरीवाल तिहाड़ जाने की कर ले तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाक। लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अखिलेश यादव के साथ मुलाकात को लेकर चर्चा में है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल का यूपी का ये पहला दौरा था, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है। फिर केजरीवाल की अखिलेश यादव संग मुलाकात के पीछे क्या है खेल? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा क्या बोल गए केजरीवाल और अखिलेश यादव, जिससे यूपी में नया सियासी बवाल शुरू हो गया है? यूपी की राजनीति में केजरीवाल और अखिलेश यादव का क्या है ये नया खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 बजे केजरीवाल और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा के रास्ते का सिर्फ एक कांटा है, सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में लौटी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया है कि पीएम मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वे संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने एक बार फिर यूपी के चुनावी मैदान में आरक्षण का राग छेड़ दिया है। केजरीवाल के इस बयान के बाद भाजपा कहां पीछे रहने वाली है? केजरीवाल के इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। लखनऊ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और केजरीवाल के इस बयान पर कहा कि देश और प्रदेश घूमने की बजाय केजरीवाल दोबारा तिहाड़ जाने की तैयारी कर ले। पूरा देश मोदी जी के साथ है, इंडिया गठबंधन ठग बंधन है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को पूरा समर्थन देने का फैसला किया है। इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल ने यूपी का दौरा किया है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल दूसरे नेता हैं जो लखनऊ पहुंचे हैं। इससे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। यूपी में आम आदमी पार्टी चुनाव न लड़ते हुए भी खास एक्टिव है। पार्टी का ये मकसद है कि वह सपा और कांग्रेस का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत पर। नमस्कार।